राजस्थान के बारां छिपा बड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोरधनपुरा के कंदब वाले बालाजी महाराज के मंदिर परिसर में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जारी सीखे। आत्मरक्षा के गुरु शिविर के व्यवस्थापक धर्मेंद्र चौधरी उदपुरिया ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर विगत 19 नवम्बर से प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी है। दक्ष प्रशिक्षक संगीत गौतम, लक्ष्मी नागर, लीला मेहरा, सुमन शर्मा द्वारा आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। आत्मरक्षा शिविर का शुभारंभ श्रीमान अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भागवत किशोर नामदेव द्वारा किया गया। इस दौरान शिविर व्यवस्थापक हेमंत शर्मा ने बताया कि सुबह 10 बजे नाश्ता, चाय, दोपहर 1 बजे भोजन एवं 3 बजे चाय सभी संभागियों को प्रदान की जाती है। शिविर व्यवस्थापक लक्ष्मण सिंह भाटी इस शिविर में कुल 98 संभागीय भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के शिविर प्रभारी श्री सूर्य प्रकाश शर्मा है। कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आज इस अवसर पर बस बोल देते हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले, पर कैसे 7 साल अपने जीवन काल में नौकरी में सरकारी सेवा में पूरे करने पड़ते हैं या पूरे होते हैं, वो इन दोनों से बेहतर कोई नहीं जानता। हमें 2 वर्ष का परीक्षा काल पूर्ण करने में कई प्रकार की कठिनाइयां आती है, लेकिन इन्होंने जो अनुभव बताए, समय पर अपना काम करना, समय पर अगर अपना काम करते हुए अगर कोई अधिकारी वर्ग किसी प्रकार की आपको प्रताड़ना या परेशान कर रहा है, तो उसका सभी के पास जवाब है। बाकी अगर हम ही कमजोर हैं, हम समय से अपना काम नहीं कर रहे, तो उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। मैं इन दोनों के लिए दो सब दौर कहकर अपना जो वक्तव्य है उसको समाप्त करूंगा कि कद नहीं बढ़ता एड़ियां उठाने से, कद नहीं बढ़ता एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां हासिल होती है कुछ कर दिखाने से। इसी के साथ देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।